हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं सबसे पहले गेट खोलती हूँ एंड यहाँ पे मैं देख रही थी कि आज का वेदर कैसा है। और ये मेरी छोटी बालकनी है, मेरी दो बालकनी है। सो फर्स्ट वाली है जो वो काफ़ी बड़ी है, ये वाली थोड़ी उससे छोटी है। एंड यहाँ पर मैं देख रही थी कि आज का मौसम कैसा है, तो अभी 7:30 अराउंड हो रहा था एंड हल्की हल्की धूप निकल आई थी। फिर मैं फटाफट किचन में गई, चाय बनाई एंड पानी हल्का सा वार्म किया, फिर करने बैठ गई चॉपिंग। और सब्जी ऑलरेडी मैं बना चुकी थी और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी थी चॉपिंग करना, क्योंकि आज बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था एक वेजिटेबल सैंडविच खाने का। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आराम से बात करते करते बना ली जाए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक अनियन चॉप करूँगी, छोटा छोटा अनियन चॉप करना है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता है। अगर आप बड़ा बड़ा डालेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। और ऐसे ही मैं टोमेटो को भी अच्छे से चॉप करूँगी और एक ग्रीन चिली मैंने चॉप करी हुई है। सो इनको लेट हो रहा था तो फिर मैं लेके तो दो दो आई थी, लेकिन फिर मैंने एक ही एक चॉप किया एंड देन चॉप करने के बाद इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे कट करूँगी खीरा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो ये सब करने के बाद फिर मैंने इसमें एक चम्मच ये बड़ा वाला ये डाला मैंने मलाई का, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहो तो मेयोनीज वगैरह डाल सकते हो, बट वो इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि हेल्थ के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी मलाई डाल लेते हैं एंड उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट में बनता है। सो ये बिल्कुल चिपक गई थी, निकल ही नहीं रही थी। एंड फाइनली अब मैं इसमें थोड़ा सा केचप डालूंगी और ये भी बहुत थोड़ा सा ही डालना है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो डाला, थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला एंड मिक्स इट वेल। और इसको थोड़ी देर मैं रेस्ट करने दूंगी। वैसे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, बट अभी मेरे को चपाती बनानी है, सब्जी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो फिर मैंने सोचा पहले चपाती बनाती हूँ, उसके बाद इसी वाले तवे पे बना लूंगी सैंडविच, क्योंकि फिर ज़्यादा क्या बर्तन करूँ उसके लिए, ऐसा मैं सोच रही थी। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से मतलब फिल कर दिया पूरा एंड अब मैं इसको सेक लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है। और बटर में सेकोगे तो काफ़ी क्रंची बनता है। और ये देख सकते हैं, ये है इनका ब्रेकफास्ट आज का। ये इंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट और साथ में मैंने भी टेस्ट कर लिया था। और निकलेंगे ये ऑफिस, उसके बाद मैं क्या करूँगी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है डे 7 का लास्ट डे एंड मैंने पूरे ब्लॉग्स कम्प्लीट किए और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो मैंने चैलेंज लिया था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी काम टफ नहीं होता। पहले मैं सोचती थी डेली डेली ब्लॉग कैसे डाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बट जब चैलेंज ले लिया था तो कैसे भी करके मतलब डालना था तो डाला। एंड सच में मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने कंटिन्यू में ब्लॉग्स डाले हैं। सो आई होप कि मैं आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू करूँ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अभी तो बहुत सारा काम है तो वो मैं आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ। सबसे पहले थोड़े से जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें पानी डालने चलते हैं। सारे पौधे सूख चुके हैं, सब में डालना पानी ज़रूरी है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली बालकनी में एंड इसमें भी मैंने कुछ कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, तो हम इनमें भी पानी डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी गर्मी होने लग गई है तो पौधों को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो ये काम यही करते हैं, लेकिन आज इनको ऑफिस जल्दी निकलना था इस वजह से आज ये वाला काम मैं कर रही हूँ। और मैं इतना टेक केयर अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, बट कोशिश करिए कि अच्छे से हो जाए। और आप देख सकते हैं मैंने ये वाली बालकनी भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर ली है। आफ्टर क्लीनिंग एंड ऑल इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो मैंने सोचा फटाफट कर ही लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़ोर की भूख लग गई थी। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये भी वाला सेक्शन भी क्लीन करती हूँ। सो ये वाला सेक्शन मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बना रखा है, जो भी किचन में अप्लाइंसेस यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो मैंने सोचा अच्छे से सब कुछ ये भी अरेंज कर देती हूँ। सबसे पहले जितने भी अप्लाइंसेस मैंने रखे हुए थे उन सबको बाहर निकाला एंड
ये काफ़ी अंदर तक हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी गहरे गहरे हैं, उनमें काफ़ी सारा सामान मैंने रख रखा था। तो अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये गंदा लगा मुझे, तो मैंने इनको अच्छे से झाड़ू लगाई और फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछा, क्योंकि फिर ना थोड़ी सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। और आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने ये अरेंज कर दिया। फिर इसलिए थोड़ी भूख लगने लग गई तो मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ। सो मेथी आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी तो फिर मैंने सोचा उससे ही खा लेती हूँ, और उसके साथ रायता का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने सोचा वो भी फटाफट बना लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये वाला जो तड़का पैन होता है इसको लिया और इसमें थोड़ा सा घी डाला, एंड इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा जैसे ही वो चटकेगा, और इसमें डाल देनी है हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देनी है, और अपने गैस को बंद कर देना है, और फिर अपने जो दही है उसमें डाल देंगे। और मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। एंड यहाँ पर ये है मेरा लंच रेडी, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। फिर मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जब मैं अपनी छोटी वाली बालकनी को क्लीन कर रही थी उसी टाइम मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो मेरे से शिफ्ट नहीं हो रही थी, तो जो मेरी हेल्पर थी उसने मेरी हेल्प करने के चक्कर में उसने झटके से उसको करा, एंड जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो गिर गई। एंड सच में मेरे को बहुत डर लग गया कि आप कुछ हो तो नहीं गया, बट जो कनेक्टर होता है जो ऑटोमेटिक मशीन का वो टूट गया, एंड आई एम फीलिंग सो मच अपसेट, और मेरे को पता नहीं था कि क्या होगा अब। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा एंड देन हम दोनों गए मार्केट, और हम लोगों ने वहाँ से सर्च किया एंड फाइनली हमें जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। एंड सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, एंड फाइनली जो मेरा काम था वो हो गया। सो वहाँ से आए, फिर हम लोगों ने थोड़ी चाय वाय पी, गप शप की, और काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये है रात का टाइम, आज मैं बनाने वाली थी ब्रोकली की सब्ज़ी, सो साइड में मैंने वो चढ़ा दी, एंड साइड में मैं बना लूँगी अब अपनी चपातियाँ। और ऐसा था मेरा पूरा डे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।